कोई भी तीन घात की समीकरण है उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, और इसका जो मेथड है उसको हम कहते हैं कार्डन मेथड। कार्डन विधि द्वारा किसी भी तीन घात की समीकरण का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें कल यदि हम कोई भी तीन घात की समीकरण है उसको किस प्रकार लिखेंगे, ए ज़ीरो एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। कोई भी तीन घात की समीकरण किस प्रकार से लिखी जाएगी, इस प्रकार से लिखी जाएगी। तो किसी भी तीन घात की समीकरण को सॉल्व करने के लिए जो कार्डन मेथड है, पहली बात तो ये हमेशा याद रखना है कि ये जो मेथड है ये अप्लाई हमेशा होता है, इस मेथड को अप्लाई होने के लिए कुछ कंडीशन होती है। फर्स्ट कि किसी भी तीन घात की समीकरण के अंदर जो एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो क्या होना चाहिए, एक्स का गुणांक क्या होना चाहिए, वन, पहली बात तो, ठीक है। ये मेथड तभी अप्लाई होगा किसी भी तीन घात की समीकरण में जब पहली बात तो एक्स का गुणांक क्या होगा, वन। दूसरा ये है कि एक्स स्क्वायर का जो पद है वो अनुपस्थित होगा, मतलब उसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोई भी पद नहीं होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले कोई भी जो समीकरण होगी तीन घात की समीकरण, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। यदि उसके अंदर एक्स का गुणांक यदि कुछ है तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको वन बना देंगे, उसमें जैसे यहाँ पे गुणांक एक जो है तो ए जीरो का भाग ला के उसको वन बना देंगे। दूसरी बात, उसके अंदर एक्स स्क्वायर का पद अनुपस्थित होना चाहिए। तो कल हमने देखा था कि किसी भी समीकरण में यदि हमको किसी भी पावर का गुणांक जीरो करना है तो हम कैसे करेंगे, तो कल प्रतिस्थापन से हमने देखा था। तो कल वाले मेथड से हम एक्स स्क्वायर का पद हटा सकते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी किसी भी तीन घात की समीकरण पे, तो कोई भी तीन घात की समीकरण किस प्रकार से लिखी जाएगी, एक्स क्यूब प्लस थ्री एच एक्स प्लस जी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जैसे ये कोई है इसमें हमने पहली बात तो एक्स क्यूब का गुणांक वन कर दिया और एक्स स्क्वायर का जो पद था वो हटा दिया, तो बचा केवल एक्स का पद और एक्स का गुणांक हमने कर दिया थ्री एच, ठीक है, और प्लस जी इक्वल टू ज़ीरो। तो कोई भी यदि अब हम कार्डन मेथड किस पे अप्लाई करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे कोई भी समीकरण जो कि इस प्रकार से लिखी हुई है उस पे हम कार्डन विधि या कार्डन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं कि यदि कोई भी समीकरण इस प्रकार से लिखी हुई है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम विधि स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो हमेशा वही स्टेप फॉलो किए जाएंगे कार्डन मेथड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि अब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इस प्रकार के समीकरण का। इसको लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस थ्री एच एक्स प्लस जी इक्वल टू जीरो। तो हम इस प्रकार की किसी भी सॉल्यूशन का इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो फर्स्ट स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप क्या आता है, ये मतलब हमेशा हर इस मेथड के अंदर हमेशा ये मेथड अप्लाई होगा। तो फर्स्ट जो मेथड आता है उसमें हमको क्या करना है कि सॉल्यूशन हमको माना x इक्वल टू पी की पावर 1/3 प्लस क्यू की पावर 1/3, ठीक है। हमको सॉल्यूशन कैसे किस प्रकार से लेके चलना है, इसका सॉल्यूशन क्या मान के चलेंगे, x बराबर पी की पावर 1/3 प्लस क्यू की पावर 1/3। दूसरा, अब क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हो जाएगा कि हम इसमें दोनों साइड के अप्लाई कर देंगे, दोनों साइड क्यूब अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। ये फिक्स मेथड है। तो जैसे एक्स क्यूब अप्लाई कर देंगे, इस क्यूब अप्लाई करते क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, तो ये कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी की पावर क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस क्यू की पावर
1/3 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस ए प्लस बी, इसका होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3। इसी मेथड से हमने खोल दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इस प्रकार से फॉर्मूले से खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब एक्स क्यूब को यदि हमने इस प्रकार लिखा तो यहाँ पे ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, पी की पावर 1/3 प्लस क्यू की पावर 1/3। तो यहाँ पे देखो पी की पावर 1/3 प्लस क्यू की पावर 1/3 की वैल्यू क्या है, एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसकी जगह एक्स लिख सकते हैं। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब ये तो इस क्यूब होके पी और क्यू रह जाएंगे और ये ऐसे रह जाएगा। अब देखो क्या करते हैं हम यहाँ से, अब हम क्या करते सबको एक साइड लेके आते हैं, तो ये समीकरण बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3 प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम, क्योंकि यदि सॉल्यूशन ये था तो इस सॉल्यूशन की तुलना यदि मतलब इसको क्यूब करके ये समीकरण तो इसकी तुलना इस समीकरण से करो। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, यह एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है 3h, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है माइनस 3 पी की पावर 1/3 इंटू क्यू की पावर 1/3। यहाँ पे जो कांस्टेंट पद है वो जी है, यहाँ पे कांस्टेंट पद क्या है माइनस पी प्लस क्यू। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3h इक्वल टू ठीक है फर्स्ट, और दूसरा आ जाएगा ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यदि दोनों साइड, पहली बात तो 3 से 3 कैंसिल, और दोनों साइड यदि अब हम क्यूब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एच क्यूब इक्वल टू माइनस, हमें क्या 3 से 3 कैंसिल, दोनों साइड क्यूब लगा तो ये तो एच क्यूब हो जाएगा और ये पावर 3 कट के ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ से पी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई माइनस एच क्यूब। और इसी प्रकार से यदि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी। तो हमने जो सॉल्यूशन माना था कि एक्स इक्वल टू पी की पावर 1/3 प्लस क्यू की पावर 1/3, मतलब यदि इसका कोई सॉल्यूशन है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्योर क्यू पे। यदि प्योर क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी तो एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से हमको प्योर क्यू में दो रिलेशन निकल गए, तो इन दोनों रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, प्योर क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे प्योर क्यू की वैल्यू यहाँ से, कि जैसे हमने अभी देखा था कि किसी भी द्विघात समीकरण में, किसी भी द्विघात समीकरण के यदि मूल पी और क्यू हैं तो मूलों का योग तो माइनस जी दिया हुआ है और मूलों का गुणा क्या दिया हुआ है, माइनस एच क्यूब। तो ऐसी समीकरण जिसके मूल p और q हैं वो समीकरण क्या बन जाएगी, टी क्यूब टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग है माइनस जी टी और मूलों का गुणा है माइनस एच क्यूब। तो यदि ऐसी समीकरण जिसके मूल क्या है p और q, तो मूलों का गुणा तो माइनस एच क्यूब है और मूलों का योग माइनस जी दिया हुआ है। तो यहाँ से ये ऐसी द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या है p और q, तो इस समीकरण का सॉल्यूशन हमें पी और क्यू यदि पता चल गया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ से अब देखो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस जी टी। हम इसको आसानी से अब
द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मूल क्या हो जाएंगे, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस जी प्लस माइनस जी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब ये डिवाइडेड बाई टू। तो मतलब पी और क्यू की वैल्यू क्या पता चल गई यहाँ से, अब इसके जो दो सॉल्यूशन आए प्लस और माइनस, तो एक सॉल्यूशन तो हो गया पी और एक सॉल्यूशन हो गया क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या मान निकालेगा, पी और क्यू का, पी और क्यू का मान निकालते ही पी का मान यहाँ रखेंगे, क्यू का मान यहाँ रखेंगे, और वहाँ से एक्स का मान पता चल जाएगा। अब क्योंकि ये ध्यान दो कि ये जो समीकरण है क्या है, एक तीन घात की समीकरण है, तो किसी भी तीन घात के समीकरण के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तीन सॉल्यूशन होंगे। तो अब देखो तीन सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालेंगे हम, यहाँ से प्योर क्यू की वैल्यू तो पता चल गई। अब देखो सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाले जाएंगे, सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन हमारा ये है। तो यहाँ से देखो, यदि हम पी पी का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, मतलब क्या निकाल रहे हैं, घात वन बाय थ्री का क्या मतलब होता है कि क्यूब रूट कहते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो यदि हम जैसे इसको लिख सकते हैं, पी की पावर वन बाय थ्री को लिख सकते हैं वन इंटू पी की पावर, कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा वन की पावर वन बाय थ्री। अब वन की पावर वन बाय थ्री क्या होती है बताओ, वन की पावर वन बाय थ्री की वैल्यू क्या होती है, तीन सॉल्यूशन निकलेंगे इसके, एक तो वन है, बाकी दो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होते हैं, पढ़े होंगे ट्वेल्थ में, नहीं पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कहते हैं इसको, nth रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल पढ़े होंगे ट्वेल्थ में, वही चीज़ है ये। तो इसके जो इसके इकाई के घनमूल हम कैसे निकालते हैं, यदि x को मान लें, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको मान लेते हैं x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक वैल्यू तो आ जाएगी, इसके गुणनखंड करें तो क्या आ जाएगा, ये एक सॉल्यूशन तो आ गया एक्स इक्वल टू वन, यहाँ से बाकी दो सॉल्यूशन यहाँ से निकलेंगे, तो इसके सॉल्यूशन यहाँ से तो आ गया एक्स इक्वल टू वन, और बाकी दो सॉल्यूशन क्या आएंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वन माइनस फोर ए सी अपॉन टू, जैसे बाकी दो सॉल्यूशन ही आ गया, तो यहाँ हो गया ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में क्या आ जाएगा, माइनस तीन का अंडर रूट, तो माइनस तीन का अंडर रूट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो एक सॉल्यूशन तो हो गया वन, एक सॉल्यूशन हो गया प्लस में, और एक सॉल्यूशन हो गया, तो यहाँ पे जो इकाई के जो घनमूल है इसके तीन सॉल्यूशन हो गए, एक तो वन हो गया जो हमको पता है, बाकी दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो इसको तो हम नाम देते हैं, इसको तो नाम देते हैं वन, इसको हम नाम देते हैं ओमेगा, उसको नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इकाई के घनमूल की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से पता चल गया हमें ये हो गई, तो यहाँ से इसके जो पी की पावर नंबर थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक तो हो जाएगी वन रखेंगे जब स्केल, तो हो जाएगा पी की पावर वन बाई थ्री, एक हो जाएगी ओमेगा पी की पावर वन बाई थ्री, और एक हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से पी के तीन मान पता चल गए, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम क्यू के लिए देखेंगे, तो क्यू के लिए देखेंगे, तो यहाँ से क्यू की पावर वन बाई थ्री की वैल्यू हो जाएगी, इसी प्रकार से क्यू की पावर वन बाई थ्री ओमेगा क्यू की पावर वन बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार से टोटल कितने केस बन गए हमारे पास, पी के लिए तीन केस हैं, क्यू के लिए तीन केस हैं। तो यहाँ से एक्स के जो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, तो एक्स का तो मतलब किसी भी तीन घात के सॉल्यूशन के हल हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा पी की पावर वन बाई थ्री प्लस क्यू की वन बाई क्यू की पावर वन बाई थ्री, एक तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन होगा ओमेगा पी की पावर वन बाई थ्री प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू की पावर वन बाई थ्री, और जो तीसरा सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर पी की पावर वन बाई थ्री प्लस ओमेगा
पी की पावर माइनस थ्री, तो ये तीन सॉल्यूशन हो जाएंगे किसी भी तीन घात की समीकरण जो कि इस रूप में लिखी गई है उसके तीन सॉल्यूशन ये हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हमने पूरा सॉल्यूशन मेथड निकाला है उसी मेथड से हमको सॉल्व करना है इसमें। अब हम जैसे द्विघात समीकरण के अंदर देखते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, यहाँ तक ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। यदि बुक है तो बुक में एक मार्क लगा लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसके जो मूल हैं, तो यहाँ से अभी हमने जो सॉल्यूशन निकाले थे P और Q के दो सॉल्यूशन आए थे, वो टी के क्या मान आए थे, टी के मान आए थे माइनस जी प्लस माइनस जी स्क्वायर प्लस 4h³ डिवाइडेड बाई ये मान आए थे ना। तो यहाँ से देखो अंडर रूट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, जी स्क्वायर प्लस 4h³, मतलब इसके जो मूल होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस 4h³ की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे। जैसे हमने द्विघात के अंदर देखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे इस पे डिपेंड करते हैं। तो अब हम ये देखो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो इस प्रकार तीन केस बनेंगे। तो यदि पहले लेते हैं जी स्क्वायर प्लस 4h³ की वैल्यू धनात्मक होगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये नोट कर लेना, मैं बता देता हूँ यहाँ पे इसके जो मूल होंगे, एक मूल वास्तविक व दो संयुग्मी। तो इसमें क्या होगा, एक मूल तो होगा, तीन सॉल्यूशन तो एक रूट तो क्या होगा रियल, एक मूल तो होगा धनात्मक मतलब सॉरी वास्तविक, और बाकी दो मूल क्या होंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक मूल तो वास्तविक होगा, बाकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे दो मूल कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब यदि एक हल है a प्लस आयोटा b, तो दूसरा हल क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b। तो दोनों इस प्रकार से पेयर के अंदर होंगे, दो कॉम्प्लेक्स वाले और एक रियल होगा। और यदि इसकी वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो हो गई और इसमें जी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तब क्या होंगे इसके तीनों मूल वास्तविक होंगे, तीनों मूल वास्तविक होंगे, दो मूल समान होंगे। क्या होगा, तीन मूल तो तीनों मूल वास्तविक होंगे और एक मूल और दो मूल सेम होंगे। ठीक है, तो जब ये वैल्यू जीरो होगी तो एक केस तो ये बनेगा कि या तो जी की वैल्यू जीरो ना हो, और दूसरा केस इसकी वैल्यू जीरो होगी तो इसमें एक और केस बनेगा कि जी की वैल्यू भी जीरो है और एच की वैल्यू भी जीरो है, एक और केस बनता है इसमें। तो इसमें होगा तीनों जो मूल होंगे वो क्या होंगे जीरो। ठीक है, और नेगेटिव के अंदर होगा इसमें क्या हो जाएगा, तीनों मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं सॉल्व, जो हमने आज थ्योरी पढ़ी इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन है x³ - 12x - 65।
माइनस 12x, ये थ्री घात की इक्वेशन है, इसको कार्डन विधि से सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कार्डन विधि अप्लाई करने से पहले कि इसके अंदर एक्स क्यू का गुणांक पहली बात तो 1 है, ठीक है, और दूसरा एक्स स्क्वायर का पद अनुपस्थित, तो हम यहाँ पे कार्डन विधि अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या सॉल्यूशन माने थे, फर्स्ट स्टेप क्या था, सॉल्यूशन हमारा होगा पी की पावर 1/3 प्लस ऊपर, ये मान लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये माना तो वापस सेम प्रोसेस कि दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो एक्स क्यूब, मैं लिख नहीं रहा स्टेप, क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस चलो कर देते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस 3 पी की पावर 1/3 क्यू की पावर 1/3 इंटू एक्स, ये बन जाएगा। और इस साइड लेंगे तो ये जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 पी की पावर 1/3 क्यू की पावर 1/3 इंटू एक्स माइनस पी प्लस क्यू, ये बन जाएगा, ठीक है। ये तो हर क्वेश्चन के अंदर यहाँ तक स्टेप सेम रहेगा। इसके बाद हम इसकी कंपेयर इससे करेंगे, तो यहाँ से देखो x का गुणांक -12 x का गुणांक ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 पी की पावर 1/3 क्यू की पावर 1/3 की वैल्यू हो जाएगी -12, और यहाँ से माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 3 से 4 बार कट जाएगा और 4 क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। यहाँ से पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 65। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यदि इसके मूल पी और क्यू हैं तो मूलों का योग हमको 65 दिया हुआ है, मूलों का गुणा 64 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग 65t ठीक है। यहाँ से जब इसे गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 64t माइनस टी प्लस 64 इक्वल टू 0 टी माइनस 64 माइनस टी माइनस 64 इक्वल टू 0। तो एक तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। तो टी की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू होती है प्योर क्यू के मान। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी पी और क्यू, पी की वैल्यू 1, पी की वैल्यू क्या है 1, क्यू की वैल्यू क्या है 64। यहाँ से अब देखो एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू पे। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 64। यहाँ से इसके सॉल्यूशन क्या बताए थे मैंने, 3 सॉल्यूशन होंगे, एक होगा और एक सॉल्यूशन होगा ठीक है। तो वही हम बस पी क्यू के मान रखें, तो पहला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहला सॉल्यूशन होगा 1 प्लस 4, दूसरा हो जाएगा ओमेगा डॉट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 4, एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा इंटू 4। तो यहाँ से ये एक तो हो जाएगा 5, एक हो जाएगा ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर और एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 4। ये सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। और यदि ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है
तो यदि हमने देखा था कि इसके यदि मूलों की प्रकृति की बात करें तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति किस पर डिपेंड करती है, जी स्क्वायर प्लस 4h³, इस पर डिपेंड करती है मूलों की प्रकृति। तो यदि इसकी तुलना हम इससे करें x³ प्लस 3hx प्लस जी इक्वल टू 0, इस समीकरण की तुलना यहाँ से करें तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू जाएगी -4। ठीक है, h क्या है, x के गुणांक का 1/3, x का गुणांक है -12, इसका 1/3 -4। और g की वैल्यू क्या आ जाएगी, -65। तो यदि जी स्क्वायर प्लस 4h³ की वैल्यू निकालोगे तो जी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ पॉजिटिव संख्या आएगी, 65 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू h³ की वैल्यू आएगी माइनस ये। तो 65 का स्क्वायर तो एक बहुत बड़ी संख्या होगी और उसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो मतलब इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, यदि जी स्क्वायर प्लस 4h³ की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि एक रूट तो वास्तविक होगा और बाकी दो मूल क्या होंगे, संयुग्म में होंगे। तो वहाँ पे तो एक मूल तो वास्तविक है, बाकी संयुग्म में हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और जैसे ये समीकरण दी हुई है कि इसका कार्डन विधि से सॉल्यूशन निकालो, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि x³ का तो गुणांक 1 है, लेकिन x² का पद क्या है, अभी इसके अंदर है, तो हमको वो हटाना पड़ेगा। तो कल हमने देखा था कि यदि किसी समीकरण में से कोई भी पद हटाया जाता है तो कैसे हटाते हैं वो, कि हम क्या करते हैं, x की जगह क्या कर देते हैं, x प्लस h यदि इस पर प्रतिस्थापित कर देंगे, तो x की जगह यदि हम रख देते हैं x प्लस h। ठीक है, x की जगह x प्लस h रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस h³ प्लस 6² अभी हमको, क्योंकि यहाँ पे से केवल x² का पद हटाना है, तो हम केवल उन्हीं पद को देखेंगे जहाँ से x² हमें मिलेगा। तो एक x² यहाँ से मिलेगा, ठीक है, एक x² यहाँ से मिलेगा, तो उसमें x² का गुणांक हो जाएगा 3h × x², तो इस वाले पद से जो x² का पद मिलेगा वो ये होगा, यहाँ से जो x² का पद मिलेगा वो क्या होगा, 6x². तो केवल इतना देखेंगे हम, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से x² का गुणांक क्या हो गया, 3h + 6। अब क्योंकि यदि हमको यहाँ से क्या हटाना है, x² को हटाना है, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, 3h + 6 की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमने क्या प्रतिस्थापित किया है, x के क्या डाला है, x प्लस h है ना, और h की वैल्यू हमको क्या मिली है, -2, तो हमें क्या प्रतिस्थापित करना है x की जगह, x - 2। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि यदि हम x के लिए क्या रखें, x - 2 रखेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, x² का गुणांक 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे सही कर लेना इसको, हम क्या रखेंगे, x के लिए x - 2, तो x - 2 रखेंगे तो हमें समीकरण मिल जाएगी x - 2³ प्लस 6। ये समीकरण मिल जाएगी। ठीक है, अब ये तो समीकरण थी जिसमें x² का पद था, अब यदि इस समीकरण को सारे पदों में से इसको होल क्यूब करोगे, होल स्क्वायर करोगे और यदि ये हटाओगे, तो यहाँ से क्या होगा, x² का पद हट जाएगा, तो इसके फाइनल जो समीकरण है वो मैं लिख देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करके नहीं लिख रहा, इसकी फाइनल जो समीकरण बनेगी वो बनेगी x³ -24 x + 72।
ये समीकरण बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर तो एक्स क्यूब था, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ से एक्स स्क्वायर हट गया क्योंकि हमने क्या प्रतिस्थापन यूज किया है, एक्स की जगह एक्स माइनस टू रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको देखो, इसको हमको कार्डन विधि से सॉल्व करना था तो हमने यहाँ पे ये कर दिया है, यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर का पद हट गया है, तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, इसको कार्डन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको वापस सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की रख देंगे। ठीक है, ये रख देंगे, तो वापस वही सारी प्रक्रिया दोहराएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री ठीक है, ये रख के क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी तुलना करेंगे, एक्स का गुणांक है माइनस चौबीस, इधर एक्स का गुणांक है माइनस थ्री पी क्यूब क्यू क्यूब, तो यहाँ से इसकी तुलना जब इससे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बारह, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस थ्री पी वन बाय थ्री क्यूब वन बाय थ्री स्केल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, चौबीस आठ आ जाएगा मान, और इसका होल क्यूब करेंगे क्या आ जाएगा, 64 इंटू तीन आठ चार 512 आ जाएगा पी क्यू का मान। ठीक है, पी क्यू का मान आ जाएगा 512। इसी प्रकार से जब इसकी तुलना करेंगे पी प्लस क्यू का मान क्या आ जाएगा, माइनस 72। और फिर जब इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस समीकरण ये बन जाएगी। और इसके जब सॉल्यूशन निकालोगे तो यहाँ से दो मान आ जाएंगे, एक आ जाएगा माइनस एट और एक आ जाएगा, ठीक है, दो मान आएंगे माइनस एट और माइनस 64। तो ये मान तो हो जाएगा P का और ये मान हो जाएगा Q का, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, P की पावर 1/3 प्लस Q की पावर 1/3। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन तो क्या होगा, देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, X का मान हो जाएगा एक तो P की पावर 1/3 प्लस क्यू की पावर 1/3, एक हो जाएगा ओमेगा पी की पावर 1/3 अब हमको क्या कर निकालना, पी की वैल्यू है माइनस एट, क्यू की वैल्यू है माइनस 64, तो इसका क्यू रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगी माइनस टू और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस चार। ऐसे ही ये हो जाएगा ओमेगा माइनस टू ओमेगा माइनस फोर ओमेगा स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस टू ओमेगा स्क्वायर माइनस फोर तो ये अब देखो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद एक सॉल्यूशन क्या आ गया, माइनस सिक्स, ये तो हो जाएगा माइनस सिक्स और एक सॉल्यूशन ही एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कौन से समीकरण के निकले, इस समीकरण के। ठीक है, ये सॉल्यूशन किसके निकले, इस समीकरण के, लेकिन हमको स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था, इसको सॉल्व करना था तो हमने इसको चेंज करके यहाँ पे किया और इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, इसके जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके जो सॉल्यूशन है और इसके जो सॉल्यूशन, उनमें किसका अंतर है, दो का अंतर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये प्रतिस्थापन लगाया तो हमको इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे इसके सॉल्यूशन तो थे x, इसका सॉल्यूशन था x माइनस टू, तो यदि हमको x माइनस टू से x की तरफ जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो मतलब यदि इसके जो सॉल्यूशन होंगे उनमें हम दो ऐड करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे,
ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन हो गए इस वाले इक्वेशन के, और यदि हमको फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन निकाल, सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इसमें हम कर देंगे प्लस टू, इसमें प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये मान आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने इसको यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में छोड़ दिया, ओमेगा का मान पता है, ओमेगा का मान तो माइनस वन प्लस माइनस यहाँ से सॉल्यूशन निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो यदि हमको डायरेक्ट समीकरण ऐसे दिए जिसके अंदर पहले से एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ये रख के। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ है तो प्रतिस्थापन करके सबसे पहले इसको चेंज करेंगे उस समीकरण में जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, ठीक है।